हेलो दोस्तों दोस्तों आज काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं काम में टाइम ही नहीं लग पा रहा वीडियो बनाने का, तो वर्क प्रेशर इतना रहता है कि टाइम निकल ही नहीं पाता। तो अभी ये मैं एक वीडियो आज लेके आपके लिए हाजिर हूँ। एक मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी होने वाली है। इसमें मेरा शायद लक भी काम कर रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनानी चाहिए। ये सिडार का मदरबोर्ड है, डेल का, जो 15 3000 सीरीज़ में आता है इंटेल i3 के साथ, 13269 1, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल्स है ये डेल में। ये पहले कहीं पर चेक हुआ हुआ है ऑलरेडी एक दो जगह पे। तो इसमें क्या है, ये जैसे स्टेप डाउन का IC चेंज की करके लगाया हुआ है, ये आए और दोबारा से लगा रखी है, लेकिन ये अच्छी तरह भी नहीं लगी हुई। हाँ, ये ड्राई शोल्डर है, आधी पिन इसकी शोल्डर ही नहीं हुई हुई। तो एनीवे तो अभी इसमें मैं अडाप्टर लगाता हूँ। तो ये DC रीडिंग है इसकी, इसमें इसका स्टेप डाउन हीट हो रहा है, इस पे हाथ नहीं लगाया जा रहा, ये हीट हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर शॉर्टिंग होगी इसमें। तो अभी एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, इसकी इम्पीडेंस कॉयल्स पर कितनी है। ये 3 वोल्ट की इम्पीडेंस है, ओके है। ये 3.5 की इम्पीडेंस है, ये भी ओके है। ये रैम, ये भी ओके है। ओके, कोर IC कोर की कॉयल है ये, इसकी भी ठीक ओके है बिल्कुल। मतलब मेन मेन सप्लाई पर तो ओके है, ये भी ठीक है। मतलब ओवरऑल देखें तो इसमें मेनली कहीं पर शॉर्टिंग नहीं है। तो मैंने, क्योंकि ये बोर्ड काफ़ी ज़्यादा रिपेयर किए हुए हैं पहले, तो इसलिए इसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो मुझे ऐसे ही याद हैं कि कौन सी सप्लाई किस कंपोनेंट पर किस काम के लिए है। तो इसमें ये जैसे एक डायोड है, वो होता है RTC के लिए। तो इस पे चेक करता हूँ इसकी आउटपुट पे क्या है स्टेटस। ये इनपुट साइड है ओके है, ये भी ओके है, और ये आउटपुट है जो इसकी, ये शॉर्टिंग दिखा रही है। तो ये थोड़ा इशू मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या मतलब, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये CPU इसका शॉर्ट होता है, जो उसमें RTC वाला सेक्शन है वो शॉर्ट हो जाता है। तो फिर तो ये केस मान लीजिए ख़त्म ही हो जाएगा अगर वैसा हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा लक थोड़ा साथ दे रहा है इस केस में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये फिल्टर लगे हुए हैं दो। मुझे लग रहा है कि ये इनको देख के कि इनमें से कोई शॉर्ट होगा, और ये उसी लाइन पर होते हैं। तो मैं कंफर्म करने के लिए क्या करता हूँ, इसको पहले उतारता हूँ। और ये रस्टी है बिल्कुल, यही ख़राब होगा मुझे, ये उतर ही गया, बिल्कुल ही उतर गया। लो
ये उतर गया। अब एक बार चेक करता हूँ अभी भी बीप आ रही है या बंद हो गई। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है और अब ये बीप आना बंद हो गई। वो तो मैंने हल्का सा टच ही किया तो उसी से ही वो उतर गया, जो फिल्टर था शॉर्ट वाला बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। तो अभी मैंने इनपुट किया है डीसी को, तो अभी इसकी रीडिंग है जो अभी ये डाउन हो गई। और तो अभी एक बार सप्लाई भी चेक कर लेता हूँ उसी डायोड पर। टू पॉइंट सिक्स आ गई है यहाँ पर, तो मे बी हमारी बात है जो बन जाए। लेकिन उससे पहले मुझे जो इसमें सोल्डरिंग वगैरह जो आयो नहीं सही तरह से लगी हुई है, जो भी इसमें कमी है वो चेक करनी होगी। मैं पहले आयो रीसोल्डर करके फिर आगे मिलता हूँ आपसे। तो अभी मैंने इसमें आयो दोबारा से रीसोल्डर कर दी है। स्टेप डाउन आईसी में भी थोड़ी सी सोल्डरिंग का इशू था, वो भी कर दिया सॉल्व। और जहाँ पे जो हमारा ख़राब निकला था यहाँ से जो फिल्टर, वो मैंने नया लगा दिया है। तो एक बार अभी मैं सप्लाई देके इसको देखता हूँ। और ये ऑटो ऑन हो गया, मुझे लग रहा है डिस्प्ले आ गई इसकी। ये कीबोर्ड मैंने ये बिल्कुल। सो दोस्तों, ये देखा आपने कितना इजी केस था। वैसे सिर्फ समझने की बात थी इसमें। जिसने भी ये वापस किया था उसने ये बोल के किया था कि इसका जो सीपीयू शॉर्ट हो गया तो ये नहीं हो पाएगा। तो लेकिन आप मेरा लक बोल लीजिए इसके, इसे मतलब ऐसे केस में लक भी आपका साथ देना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत ही रेयर होता है कि आपको आरटीसी की लाइन पे कोई फिल्टर शॉर्ट मिले। ज़्यादातर ये सीपीयू जो इसका एसआईओ है वो ही शॉर्ट हुआ होता है। तो इसीलिए कोई भी केस हमें सॉल्व करना है तो धैर्य से उसे चेक करना चाहिए जल्दबाजी में। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा कि इसका सीपीयू शॉर्ट है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा ध्यान आया कि यहाँ पे क्रोजन है काफ़ी ज़्यादा, तो वही हुआ, उसमें फ़िल्टर चेंज किया और ये केस सॉल्व हो गया। सो आपको अगर ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।